कहते हैं ज्यादा होशियारी अच्छे अच्छे इंसान को ले डूबती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 90s के उभरते अभिनेता चंकी पांडे के साथ, जिसमें सबको भविष्य का सुपरस्टार दिखने लगा था। उसने सयाने पर में आकर कैसे अपना करियर तबाह कर लिया था। चलिए चंकी पांडे की बर्बादी की कहानी और उनको बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश क्यों भागना पड़ रहा था ये बताते हैं। एक जमाने में हिंदी सिनेमा में चंकी पांडे का सिक्का चला करता था, मगर क्या आपको पता है कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह एक्टिंग करें? भारत में एक बहुत मशहूर हार्ट सर्जन हुआ करते थे शरद पांडे। देश में जिन डॉक्टरों ने पहली बार दिल का ऑपरेशन किया था, उस लिस्ट में शरद जी का भी नाम था। वह चंकी पांडे के पिता थे। चंकी की मां स्नेहलता पांडे भी चिकित्सक थीं। इनके बड़े भाई आलोक यानी चिक्की पांडे और चंकी दोनों को ही मां बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर अब ये क्यों डॉक्टर नहीं बन पाए, ये वजह बद्धी मजेदार है। असल में चंकी पांडे शुरू से ही पढ़ाई में फिसड्डी थे, हाई स्कूल में कई बार फेल हो चुके थे। ऐसे में यह समझ गए थे कि डॉक्टरी की पढ़ाई इनके बस की बात नहीं है। अब वह बॉलीवुड में कैसे पहुंचे, ये किस्सा भी आपको सुनाएंगे। पहले आपको एक और रोचक जानकारी देते हैं। क्या आपको पता है कि उनका असली नाम क्या है और चंकी कैसे पाडीडीडीएच गया? 26 सितंबर 1962 को जब ये पैदा हुए थे, घर वालों ने इनका नाम सुयश रखा था। उस समय ये बहुत गोलमटोल हुआ करते थे। इनकी देखभाल एक नैनी किया करती थी, वह इनको चंकी चंकी कहकर पुकारा करती थी। बाद में सुयश नाम सब भूल गए और चंकी पांडे ही इनका नाम पाडीडीडीएच गया। अब्बू बताते हैं कि वह फिल्मों में कैसे पहुंचे। दरअसल चंकी जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, वहां कई फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ते थे। वो सब अपने मां बाप से जुड़े फिल्मी किस्से सुनाया करते। बचपन से ही बॉलीवुड के किस्से सुनते सुनते इनको भी सिनेमा में जाने का भूत सवार हो गया। पढ़ने में फिसड्डी थे तो डॉक्टर मां बाप ने भी रोका नहीं। जवान हुए तो बॉलीवुड पहुंचने का रास्ता तलाशने लगे। घर वालों ने कहा, पहले अभिनय तो सीख लो, फिर कोशिश करना। 1986 की बात है, 23-24 साल के चंकी पहुंच गए डेजी ईरानी के एक्टिंग स्कूल। वहां अभिनय क्या होता है यह जाना और बारीकियां सीखने लगे। बाद में वहीं नौकरी भी करनी शुरू कर दी। कहते हैं उस स्कूल में उन्होंने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को भी एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग दी थी। वैसे चंकी को हिट करने वाली फिल्म मिलने का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। चंकी दिखने में हैंडसम थे, ऐसे में उस समय बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ उनको फोटोशूट करने का मौका मिल गया था। संजय दत्त की रॉकी फिल्म के एक गाने में भी वह नजर आए थे। अब इंडस्ट्री में थोड़ी जान पहचान बन गई थी, उनको बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाया जाने लगा था। एक बार की बात है, अभिनेता फिल्मी सितारों की एक पार्टी में गए हुए थे। वहां वह जब वॉशरूम गए तो देखा कि एक आदमी पजामे का नाड़ा नहीं खोल पा रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उनकी मदद कर दी। बाद में उस आदमी ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो। चंकी ने अपना नाम बताया और बोले कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं। उस आदमी ने फौरन कहा कि मेरी अगली फिल्म में तुम हीरो बनने जा रहे हो। चंकी को पहले मजाक लगा तो वह आदमी बोला कि गोविंदा को लॉन्च करने वाला मैं ही हूं। वह शख्स असल में मशहूर प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी थे, जो गोविंदा को अपनी इल्जाम फिल्म से स्टार बना चुके थे। पहलाज ने साल 1987 में आग ही आग फिल्म बनाई। अभिनेत्री नीलम के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को भा गई। पहली ही फिल्म में चंकी को स्टार बना दिया, पहलाज को उनकी अदाकारी भा गई। अपनी अगली फिल्म पाप की दुनिया में भी उनको इंस्पेक्टर विजय का बड़ा किरदार दे दिया। इसके बाद तो चंकी के आगे पीछे फिल्म मेकरों की लाइन सी लग गई। डायरेक्टर उनको मुंह मांगी फीस देकर भी अपनी फिल्म में लेने लगे। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब ने तो कमाल कर दिया। फिल्म के हीरो अनिल कपूर थे, मगर चंकी ने उनके दोस्त बब्बन का ऐसा जबरदस्त किरदार निभाया कि अनिल पर ही भारी पड़ गए। उनका नाम फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की लिस्ट में भी पहुंच गया था। अब तो चंकी का करियर उफान पर आ चुका था। ये वो दौर था जब शाहरुख खान जैसे अभिनेता उनके आगे पीछे घूमा करते थे, ताकि चंकी उनकी भी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से करवा दें। इस जहरीले आज के शहंशाह कोहराम, दो मतवाले और रुपये 10 करोड़ पर्दा है, पर्दा खुलेआम, अपराधी, गुनाहों का फैसला, खतरों का खिलाड़ी, अग्निकसम, वर्दी की, घर का चिराग नसीब वाला
और विश्वात्मा जैसी फिल्मों से चंकी के नाम का सिक्का चलने लगा था, मगर अभी वह फिल्म आना बाकी थी जिसके बाद लोग उनको भविष्य का सुपरस्टार देखने लगे थे। साल 1993 अभिनेता अनिल धवन के छोटे भाई डेविड धवन उस समय तक डायरेक्शन में नाम कमाने लगे थे। उन्होंने चंकी को एक दिन बुलाया और बोले कि एक फिल्म बना रहा हूं, उसमें दो हीरो हैं, मुन्नू नाम के हीरो का रोल तुमको दे रहा हूं। दूसरे हीरो गोविंदा थे। चंकी फौरन मान गए। फिल्म का नाम था आंखें। रिलीज होते ही फिल्म सिनेमा घरों पर छा गई। गोविंदा और चंकी की जोड़ी सुपरहिट हो गई। चंकी तो इस फिल्म के बाद कामयाबी के शिखर तक जा पहुंचे। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि चंकी पांडे का करियर तहस नहस हो गया? जिस अभिनेता में सिनेमा के जानकारों को अगला सुपरस्टार दिखने लगा था, वह अचानक से कैसे बर्बाद हो गया? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं ज्यादा होशियारी और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। चंकी भी इसी के शिकार हुए। चंकी पांडे ने 80 के दशक में जब करियर शुरू किया तो जानबूझकर ऐसी फिल्मों को चुनते थे जिसमें ढेर सारे स्टार्स हों। उनका मानना था कि अगर ज्यादा सितारों से सजी फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो अकेले उनकी बदनामी नहीं होगी और उनके करियर पर कोई आंच नहीं आएगी। इसी वजह से उन्होंने अपने करियर में जानबूझकर ऐसी फिल्मों को ही चुना था जो मल्टी स्टारर थी। बस यही ज्यादा होशियारी उनको ले डूबी। हुआ ये कि आंखें की अपार सफलता के बाद चंकी में गुरूर आ गया। अब उनको लगने लगा कि मैं तो बड़ा स्टार बन चुका हूं, अब मैं अकेले हीरो वाली फिल्में ही करूंगा। मगर हुआ इसका उल्टा। उनके पास फिल्म मेकरों के ढेरों ऑफर आए, मगर सिर्फ वही किरदार जिसे वो अब तक निभाते आए थे, यानी हीरो का दोस्त या भाई। मगर कामयाबी के नशे में चूर चंकी अब मेन हीरो वाली फिल्म ही करना चाहते थे। इसी वजह से वो सपोर्टिंग रोल वाली इन फिल्मों को ठुकराते जा रहे थे। धीरे धीरे मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन भी खत्म होने लगा और चंकी के पास काम आना ही बंद हो गया। साल 1995 के बाद तो वो बिल्कुल ही पैदल हो गए। उनका करियर तबाह हो चुका था। काम मिलना बंद हो गया था और बॉलीवुड ने उनको पूछना ही छोड़ दिया था। करियर ठप्प होने की वजह से वो काफी डिप्रेशन में चल रहे थे। इसी दौरान उनके बांग्लादेशी दोस्त ने वहां आने की सलाह दी। चंकी मजबूरी में बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश चले गए। वहां फिल्में करने लगे। उनको पसंद भी किया जाने लगा। इसी बीच भावना पांडे नाम की लड़की से उन्होंने शादी कर ली। मगर चंकी का मन बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लगा। उन्होंने कुछ सालों बाद फिर हिंदी सिनेमा में वापसी की कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, आपको चंकी पांडे पसंद थे या नहीं? उनका कौन सा किरदार या फिल्म आपको याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।